हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबके लिए लेकर आई हूँ चिकन कबाब, जो कि बहुत टेस्टी और बहुत यमी बनता है। तो चलिए हम आज चिकन कबाब बनाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए वो पहले मैं देख लेती हूँ। तो उसके लिए हमें सबसे पहले तो आधा किलो मैं चिकन ले रही हूँ, उसको छोटे छोटे पीसेस मैं करवा ली हूँ। और मसाले में हमें चाहिए, एक पैकेट चाहिए मुझे चिकन कबाब मसाला। और मैं दो अंडा ली हूँ, पर दो मैं अंडा नहीं इसमें डालूँगी, मैं डेढ़ ही अंडा इसमें डालूँगी। और एक चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा करी पत्ता, आधा नींबू और अदरक लहसुन का पेस्ट। और मैं यहाँ पे सरसों का तेल ले रही हूँ। तो अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इसमें डाला अंडे को हम फोड़ के इस तरह से इसमें हम डाल देंगे। बस हम इतना ही अंडा डालेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और अब हमें इसमें डालना है नमक, स्वाद अनुसार आप नमक इसमें डालिए। और अगर आप तीखा ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप मिर्ची पाउडर ज़्यादा डालिए। और हल्दी पाउडर और ये नींबू जो है ना, इसको हम अभी यूज नहीं करने वाले हैं, इसको मैं बाद में यूज करूँगी। तो मैं आपको बताऊँगी कैसे मैं यूज करूँगी उसको। और इसमें डाल देना ये पूरा पैकेट कबाब मसाला। बस हमें इसमें इतना ही चीज डालना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना है इस तरह से। तो आप देख सकते हैं इसको हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हमें इसको क्या करना है, इसको आधा घंटा के लिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे और आधे घंटे के बाद हम इसको बनाएंगे। अगर आप इसको चिकन मटन अगर फ्रिज में रखते हैं तो इसको फ्रिज में रख दीजिए आधे घंटे के लिए, नहीं रखते हैं तो आप वैसे भी ढक के इसको रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हमने तेल गरम होने के लिए डाल दिया है, मैं सरसों के तेल में बना रही हूँ। आपके पास अगर सरसों के तेल है तो बनाइए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप कोई से भी तेल में बना सकते हैं। इसका भी आधा घंटा हो चुका है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा इसका कलर भी आ गया है, क्योंकि अब ये फ्राई करने के लिए रेडी है। तेल गरम हो गया है, अब हमें क्या करना है इसमें सबसे पहले वो मैं आपको बताती हूँ। मैंने जो करी पत्ता रखी थी ना, उसको मुझे पहले इसमें फ्राई करना है। अब देख सकते हैं करी पत्ता फ्राई हो गया है, अब इसको पहले हमें निकाल लेना है। हमें इसमें पहले क्या करना है, ये हमने जो नींबू रखा था, इसको नींबू को हम इसमें पहले डाल देंगे। नींबू है तो डालिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। नींबू डालने से क्या होता है, इसका टेस्ट थोड़ा और अच्छा हो जाता है, तो इसके लिए इसमें नींबू ज़रूर डाल दीजिए। बस हमें इतना ही नींबू डालना है, इसको अच्छे से मिक्स कर देना। अब हम इसमें क्या करेंगे, चिकन का पीसेस एक एक करके इसमें हम इस तरह से डाल देंगे। ये बहुत खाने में यमी लगता है, इसको तो एक बार ट्राई करना बनता है, एक बार इसको ज़रूर आप बना के खाइए, ये बहुत अच्छा बनता है। सारे पीसेस को हम इसी तरह से इसमें डाल देंगे। देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको डाल दिया है। अब इसको हमें एक साइड से पकने देना, अच्छे से लाल होने देना, उसके बाद हम इसको अलटते पलटते इसको फ्राई कर लेंगे। ये एक साइड से हो चुका है तो अब हम इसको एक एक करके इस तरह से इसको पलट देना है। जितना कबाब है सबको हमें एक एक करके पलट के तो फिर दूसरे साइड से भी इसको इसी तरह से पका लेना है, लेकिन गैस का फ्लेम मीडियम ही रखें, उसको हाई मत कीजिए, नहीं तो क्या होगा, ऊपर से जल जाएगा अंदर से कच्चा रह जाएगा। और हमने इसमें कोई कलर भी यूज नहीं किया है, तब भी देखिए इसका कितना अच्छा कलर आया है। अब देख सकते हैं ये हो गया है, इसको बस इतना ही हमें फ्राई करना है, अब इसको हम निकाल लेंगे। कितना अच्छा, बिना कलर के भी ये इसमें कितना अच्छा कलर आया है।
तो अब हम पहले इसको निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरा चिकन कबाब बनके कितना अच्छा रेडी हुआ है, इसका कलर भी कितना अच्छा हुआ है। तो इसी तरीके से आप भी एक बार ज़रूर इसको बना के ट्राई कीजिए और मुझे भी बताएं कि ये आपको खाने में कैसी लगी, इसका टेस्ट आपको कैसा लगा, ताकि मैं इससे भी अच्छा अच्छा आपके लिए रेसिपी लेके आऊँ। तो तब तक के लिए बाय।